नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल गेट डोर जीरो नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटी सी समस्या लेकर आए हुए हैं जो कि इस कार में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कई बार इसको चेक करवा दिया है पर बार बार वही प्रॉब्लम आती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है जो आपको बताते हैं। जैसा कि इसमें जब भी एसी को ऑन करा जाता है तो ये जो 20 एम्पीयर का जो फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज बार बार शॉर्ट हो जाता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और इसको फर्स्ट टाइम हमारे पास में भी आई थी ये कार, तो हमने भी इसमें यही करा, फ्यूज डाला, इसकी वायरिंग चेक करी, बिल्कुल ओके थी। पर इसका मेन फॉल्ट जो कि हाथ में नहीं आ सका, हमने इसकी सेम से भी वायरिंग चेक कर ली, रिले भी नया डाल लिया, जो हम कर सकते थे वो सब कर लिया। जैसा कि आपको दिखाते हैं ये जो रिले है ये भी नया डाला हुआ ही है, इसको बार बार खोल कर क्या है कलर चेंज हो गया। बाकी आप यहाँ से पता लगा सकते हो इसकी हालत का, जो कि हमने डेंसो कंपनी का ओरिजिनली डाला है। इस तरह से हमने कार ने बहुत परेशान किया है। अब समस्या कहाँ निकली है, समस्या यहाँ निकली। इस कार में क्या हुआ था, अभी ये 120 किलोमीटर गई थी गाड़ी, तब तो एसी ऑन था और उसके बाद में वापस बंद हो गया। और उसका मेन कारण यहाँ मिला, जब हमने इसके बम्पर को हटाया, इंटरकूलर को बाहर निकाला, तो यहाँ देखा ये जो वायर होते हैं जो कि यहाँ कोइल होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये कंप्रेसर जो कि ये पुली होती है, ये बेयरिंग पर घूमती है, और इसके पीछे इलेक्ट्रिक क्लच लगा होता है जिसके अंदर वाइंडिंग है। इसमें जैसे ही 12 वोल्ट जाएगा ये क्लच पीछे की तरफ आएगा और ये कंप्रेसर को घुमाने लगेगा। अब होता क्या है, यहाँ पर जो वायर है इस पिन से बाहर निकले हुए थे, ये वायर यहाँ टच होते थे और इससे इनका ये रबड़ जो था इंसुलेशन वो कट गया। अब होता क्या था, अब इसमें 12 वोल्ट है और पूरी गाड़ी में जैसा कि आप सबको पता होगा इसमें नेगेटिव रहता है, वो यहाँ टच हुआ और फ्यूज उड़ा जाता है। जो हमारी समस्या थी उसका प्रॉब्लम हमें पता चल गई। अब सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है इस कोर को नहीं डाल दो क्योंकि ये परेशान करेगी। अभी हम इसको नहीं डाल सकते हैं, करना क्या है, इस तरह से कोई पाइप लेंगे, इस पाइप को बीच में से जैसा कि हमने काट दिया इसको कट करके इसके अंदर लगाएंगे इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे सेट करके या तो कुछ एयरलाइट एमसेल या ऐसी कोई चीज़ लगाएंगे जिससे ये यहीं पे बना रहे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये प्लास्टिक मेटल प्लास्टिक का है, मेटल नहीं है इसमें, और मेटल यहाँ है और यहाँ है, और इसको हमने कंटिन्यूटी भी चेक करवा देते हैं। मल्टीमीटर लेना है, उसको कंटिन्यूटी पर रखना है। अब यहाँ जो दोनों वायर के कट हैं जैसा कि मल्टीमीटर कंटिन्यूटर हमने सेट कर रखा है, दोनों प्रोब्स को हम लगा रहे हैं, तो ये बीप की आवाज़ आ रही है। अभी हमें क्या करना है, इस कोइल के दोनों वायर के जगह इनको टच करना है और देखना है। अभी कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है बीप वाली। अभी क्या करना है, इसकी वाइंडिंग कहीं मेटल से टच तो नहीं हो रही वो चेक करना है। इस वाले वायर पर हमने इस प्रोब्स को लगा रखा है और इस मेटल पर इसको लगाएंगे, मतलब ये वाली वाइंडिंग कहीं शॉर्ट नहीं है, और अब इस वाली पर भी चेक कर लेंगे, मतलब ये भी कहीं शॉर्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनको किसी भी तरह से इंसुलेटेड करना है। इंसुलेटेड करने के लिए या तो इसे कोई पाइप लगाओ, या फिर जो कि आईवी सेट आता है उसकी जो पाइप होती है वो सॉफ्ट होती है, उसको यहाँ लगाकर इस तरह से बेंड करेंगे और कैसे भी उसको चिपका देंगे। कुछ मिला गया हमारे 12 वोल्ट इस कंप्रेसर को मिलेंगे, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये फ्यूज़ नहीं उड़ाएगी। अब ये आगे इसको इंसुलेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको बोला था ये सेट मंगवाएंगे, जो कि हमने मंगवा दिया है, हमें किसी पेशेंट को नहीं लगाना है, ये हमारी कार में लगाना है। और इसका क्या करेंगे वो आपको समझा देते हैं। जैसे कि ये जो पाइप है ये एकदम सॉफ्ट है, इसको काटेंगे, बीच में कट मारेंगे, उस वायर के अंदर डालेंगे, फिर वापस इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर किया ऐसा कोई लेंगे कि कोई चीज़ जिससे इसको फिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे वायर का जो इंसुलेशन गायब हो गया है वो वापस इंसुलेशन आ जाएगा, तो वो गाड़ी में जो शॉर्ट सर्किट की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, और बार बार फ्यूज उड़ने की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी और इससे अच्छा रहेगा। और इसको लगाने से क्या हुआ, जैसे ये जो भी रेट का है आपको सबको ही पता है कितने का था है, इससे हमें ना तो कोर नहीं डालनी पड़ी, ना हमें कंप्रेसर खोलना पड़ा। जैसा कि हमने आपको कहा था इस पाइप को इनमें लगाएंगे, तो हमने जब इसको चेक करा था ये जो कपलर था
जो कि यहाँ लगता है, इस कंप्रेसर का ही कपलर है। यहाँ से भी इसके वायर डैमेज थे, यहाँ पर टेप लगी हुई थी, हमने क्या करा इसको काट लिया। काटने के बाद में यहाँ का इंसुलेंस तो गायब था ही, हमने क्या करा ये पाइप इस तरीके से, जैसे कि ये पाइप जो है ना, इस पाइप को ऐसे काटा और इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया। तो ये एक इंसुलेशन का काम कर रही है इसके लिए, और हमारा भी काम हो जाएगा। अभी वहाँ पर इसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो हमने क्या करा इन्हीं वायरों के अंदर इस पाइप को अंदर तक पहुँचा दिया है। अब ये इंसुलेट तो हो ही चुके हैं, अब इनको क्या है ऐसे ही लॉक करने के लिए यहाँ पे कुछ फेव की किया, ऐसा कुछ एमसील टाइप का कुछ लगाएंगे जिससे ये ऐसे ही स्थिर रहे। जैसा कि हमने आपको कहा था, इसको किसी से चिपकाएंगे, जो कि हमारे पास में एनोबॉन्ड थी, जो कि हम बाइक कार का जो भी काम वाम करते हैं इंजन पैकिंग का, उसमें ये जो एक तरह की एनाबॉन्ड आती है, एनाबॉन्ड 696 नाम से, ये क्या करती है इंस्टेंट सूख जाती है, जो कि मेरे अंगूठे पर लगी हुई है आपको दिख रही है। ये अभी चिपकाई थी तो आपको और दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ लगाया, मतलब तुरंत ही सूख जाती है ये, इस तरह से सूख जाती है। तो हमने क्या करा इसको लगाया इन वायर पर, ये जो वायर है यहाँ पर जो आपको दिखाया था, हमने पहले नली डाली थी और यहाँ पर थोड़ा सा कट टाइप था, उस पर ये एनामोल लगाई, और ये चाकू था हमारे पास में टूटा हुआ, इससे हमने यू बीच में से घुमा दिया ताकि यहाँ पे ये टच ना हो। कुल मिला के अपने 12 वोल्ट इसमें चली जाए और यहाँ पर लीकेज ना हो करंट, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लगाएंगे, और फिर देखेंगे अगर ज़्यादा कुछ होगा या कोई और भी चीज़ लगा सके वो भी आपको दिखाएंगे। अब इस पर भी लगाते हैं इसी तरीके से, जैसे कि हमने इन दोनों वायर पर लगा दिया है। अब इसको बड़े सूखने देते हैं, फिर देखते हैं आगे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कुछ लगाने की तो वो भी करेंगे। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छा चिपक जाए। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने इसको पेसी बॉन्ड भी लगा दी और यहाँ पर कुछ एमसील लगाई थोड़ी, और यहाँ पर जिप टाई से लॉक कर दिया ताकि ये पिन या इधर नहीं जाए, और इन वायरों को भी वापस टेप लगा के कपलर को जोड़ दिया। उसके बाद में वापस इधर फ्यूज बॉक्स में भी हमने फ्यूज लगा दिया है 10 नंबर का, जो पीछे पीछे लगता है, जो कि आप इसमें देख सकते हो। यहाँ जो आपको 10 एम्पियर का जो दिख रहा है वही आपका फ्यूज है, और इस डिब्बे में भी लिखा हुआ है। सर इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं, आराम से आप चेक कर सकते हो, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ऐसे कंप्रेसर 10 एम्पियर है, जिसको चेंज करना था कर दिया हमने। और अब इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ काम कर रहा है नहीं। पूरा एकदम ओके कर दिया, वापस फिट कर दिया उसको, ये आपको देखो दिख रही होगी। हमने एक बाहर में खोल कर रखी है, कर लिया था कोई कष्ट नहीं है, कंटिन्यू देख कर परफेक्ट है, मतलब इस गाड़ी में कोई वायरिंग की समस्या नहीं है, अब गाड़ी एकदम ओके रिपोर्ट। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।